शाम का समय है और लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर है और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शून्य से शतक में प्रवेश कर रहा है। कई सारे छात्र रहे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय से प्रशासन से लोहा लेने में कहीं पीछे नहीं रहे हैं। उन्हीं की एक लंबी फहरिस्त में एक नाम शामिल है, अनुराग उर्फ बागी अपने नाम के आगे लिखते हैं। तो अनुराग जी से जानेंगे कि एक ज़माने में इनका भी बड़ा वर्चस्व रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्रांतिकारी छात्रों में अपने आप में शुमार रहते थे। अनुराग जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां वर्ष निश्चय ही यह हम सब के लिए एक गौरव की बात ही है और एक बहुत बड़े गौरव की बात है। हम सब इस विश्वविद्यालय में यह नियम सोच के आया कि यहीं का विश्वविद्यालय का एक छात्र है सर्वेश त्रिपाठी, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका एक शेर है कि अपने आज समा जाऊँ तेरे आगोश में उम्र भर के लिए, विश्वविद्यालय मुझे नींव कीट बना ले मुझे। तो हम सब यही सोच कर अब यहाँ आए थे, तो अपना तन मन धर्म सर्वस्व अर्पण करने के लिए आए इस विश्वविद्यालय की सेवा के लिए। हमने जो संघर्ष किया विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के समय या विश्वविद्यालय की छात्र जो गतिविधियां थी उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो हमने कभी विश्वविद्यालय का नाम गिराने की बात नहीं की। हमने छात्र राजनीति की संघर्ष किया, तमाम प्रकार के आंदोलन किए, उनमें हमेशा ये सोच के चले कि इस विश्वविद्यालय का गौरव जो है वो प्रथम होना चाहिए। छात्र राजनीति तो नर्सरी गिनती होती है राजनीति की, लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति को कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में जो मुझे लगता है कि जब समय बदला, तमाम प्रकार के जो मत और दूसरे प्रकार के मत समाज में आए, तब छात्र राजनीति को बंद करने का काम तमाम प्रकार की शक्तियों द्वारा किया गया। और जो निश्चय रूप से एक दुखद है, एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने 100वें वर्ष में है। हम उन सब गिले शिकवों को दूर रखकर विश्वविद्यालय के गौरव की और विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष की शुभकामनाएं सबको प्रेषित करते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं। मैं विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष प्रवेश में सबसे पहले तो यही मांग करता हूँ कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, ये प्रथम मांग है। और चूँकि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भी छात्र संघ चुनाव लगातार होते आए, नर्सरी से जिया है, उसको देखा है, विद्यार्थी परिषद, वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद को उन्होंने देखा है, जो कि छात्र राजनीति में ही छात्र संगठन है, बड़ा छात्र राजनीति में उसने अपना योगदान दिया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के साथ साथ छात्र संघ चुनाव जो हैं यहाँ वो जरूर प्रारंभ कराए जाएँ इसी सत्र से। बहुत धन्यवाद अनुराग। नमस्कार। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो साल 2005 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघों पर जो है अपने आप में एक अंतिम रूप से बैन लग गया, और जो अंतिम छात्र संघ अध्यक्ष थे छात्र संघ के, बजरंगी सिंह बज्जू, इस समय वो हमारे साथ मौजूद है। चूँकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के लगभग संपूर्ण इतिहास से आपको रूबरू करा रहे हैं, तो हम जानेंगे कि छात्र संघ के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की क्या भूमिका रही, राजनीति में क्या भूमिका रही। तो हम बज्जू जी से जानेंगे कि उन दिनों के परिवेश के बारे में अगर वो हमें कुछ बताएं, ताकि जो है जो मौजूदा छात्र राजनीति है या फिर बच्चे हैं तो उनके ऊपर एक अनुकूल प्रभाव हो सके। तो हम बज्जू जी से ही जानेंगे कि उन दिनों छात्र राजनीति का क्या क्रेज़ था, क्या महत्वता थी, और आज जो लोकतंत्र की नर्सरी छात्र संघ कही जा रही है, छात्र संघ जैसे चुनाव ही लखनऊ जैसे राजधानी से ख़त्म, तो इन सब के बारे में बज्जू जी का क्या सोचना है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बज्जू जी, लखनऊ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और आप 2005 में वहाँ के चुने हुए अध्यक्ष रहे हैं, तो अगर छात्र संघ की राजनीति के बारे में कुछ विस्तृत बातें बताएं। अब तो खैर छात्र संघ का नाम ही नहीं रह गया, बहुत प्रयास हुए, वर्तमान में भाजपा सरकार सत्ता में है और राज्यपाल ने कई बार कहा चुनाव कराने को, लेकिन कुछ किन्हीं परिस्थितियों के कारण वैसा नहीं हो सका। आप क्या सोचते हैं इस दृष्टिकोण से? देखिए, छात्र संघ किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान जो है वो छात्रों से है, और उन छात्रों की बुनियादी समस्याओं के लिए एक छात्र संघ का मंच होता है, जिससे कि छात्र के किसी भी तरह की कोई समस्या आती है उनको वो एक मंच जो है उनको वो सुविधा प्रदान करता है कि वो अपनी बात रखें, और वो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से वो उस बात को ले जाकर उनके बारे में, उनके पक्ष में फैसला कराएं। जहाँ तक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का सवाल है, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से निकले हुए तमाम छात्र नेता देश के, प्रदेश के विभिन्न बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, पदों को सुशोभित किया है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जैसे हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के जूनियर लाइब्रेरियन थे। आज वर्तमान में देख लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के निकले हुए तमाम छात्र संघ के अध्यक्ष ब्रजेश पाठक जी आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी में अरविंद सिंह गोप किया। तो निश्चित रूप से छात्र संघ एक छात्रों की राजनीति की नर्सरी थी। हाँ, जिस छात्र संघ के बारे में आप
जिक्र कर रहे हैं कि आज छात्र संघ नहीं है, उसका भी कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक ही है जी। जब छात्र संघों में ये छात्र संगठन काम कर रहे थे तो छात्र संघों का अस्तित्व अच्छा था, लेकिन जब पार्टियां इन्वॉल्व हो गईं, राजनीतिक हस्तक्षेप, हाँ, अपनी विचारधारा को थोपने का काम करने लगी कि नहीं हम सत्ता में हैं तो हमारी विचारधारा का ही कैंडिडेट यहाँ पे सर्वाइव करेगा, वही अध्यक्ष होगा, वही महामंत्री होगा, तब से थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ। हम लोग तो छात्र राजनीति की उपज हैं और विपक्ष सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में हम लोगों ने एक तरह से सरकार को आगाह किया और हमेशा छात्रों के हित की लड़ाई लड़ी। अगर अपने छात्र संघ कार्यकाल का कुछ जिक्र करें। जी मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। जैसे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में जी। और ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जब से इतना इंटरेस्ट रहता था, सीधे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट लेते थे और उस समय तो यूथ के प्रभारी अखिलेश यादव थे, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन होता था और वो चाहते थे कि हमारा ही अध्यक्ष जीते प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जी। आपको बता दूं, मेरे छात्र संघ के चुनाव में एक इतिहास बना था। अखिलेश यादव भी कैंपस में आए थे, अखिलेश अपने कैंडिडेट को, अखिलेश भी यूथ के प्रभारी के नाते यहाँ पे आए थे कार्यक्रम करने, उन्होंने भी यहाँ प्रचार किया जी। लेकिन उन्होंने अपने बयान में कुछ इस तरह का अपना संबोधन, इस तरह छात्रों को अपना अधिकार सहित उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम जिसे चाहेंगे उसे चुनाव जिताएंगे जी। ये शब्द उनके थे और उस शब्द को लेकर मैंने छात्रों के स्वाभिमान को ललकारा था और वो एक इतिहास बना था कि कैंपस से अखिलेश यादव खदेड़ कर भगाए गए थे, छात्रों ने दौड़ा लिया था, बवाल होते होते बचा किसी तरह। और उसका कारण था कि सत्ता का सारा जोर लगा लिया उन्होंने, मेरे खिलाफ रातों रात मुकदमे करवाए, मेरी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए, प्रशासन के लोग कहते थे कि नहीं आप हट जाओ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं हटा। हमने कहा मैं छात्रों की आवाज़ बनकर उठाऊँ, जो मेरे साथ आप करिए मैं उसकी लड़ाई लड़ूँगा। और स्थिति ये हुई कि छात्र संघ में चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की, छात्र सभा के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में क्या प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में इतने ज़्यादा वोटों से जीतने वाला कोई अध्यक्ष नहीं रहा, इतनी बुरी हार किसी की नहीं हुई और सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाला मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। एक अपने आप में ये भी रिकॉर्ड रहा कि अंतिम अध्यक्ष के तौर पर भी आप जाने जा रहे हैं। 300 वोटों से लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता था। अजय जी, आपने 15 साल का समय है पाँच में, आपका जो भी समय रहा हो कि आपने जब वहाँ से दीक्षा पूरी की हो, लेकिन 15 साल का समय एक बड़ा समय होता है। विश्वविद्यालय को बनते देखा, संवरते देखा, अगर कुछ जिक्र करें राजनीति से थोड़ा हट के, विश्वविद्यालय कैसा निजी अनुभव रहा लखनऊ विश्वविद्यालय का आपका? देखिए, हम लोग जिस दौर में आए उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एक माहौल था वो बहुत ही ख़राब था जी। उस समय पोलिटिकल पार्टियों का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा था कि लोग कैंपस को एक तरह से अपना राजनीतिक अड्डा बना रखा था और उसको लेकर कैंपस में तमाम ग्रुप बन गए। आपने अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में आपने इतनी जानकारी रखी तो उस समय कैंपस के अंदर हत्याएं शुरू हो गईं। आज प्रदेश में तमाम टॉप क्लास के जो माफिया हैं उस समय के निकले हुए लोग, जो आज उसमें से कुछ लोग विधायक बने, सांसद भी बने, आपके संज्ञान में होगा, हमारे बैच में ही हैं लोग सब हैं। तो वो इस तरह का माहौल था कि बहुत ही ख़राब माहौल था, कैंपस में हत्याएं होने लगीं। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी छात्र संघ को प्रभावित की। छात्र संघ अपराध का अड्डा नहीं था, छात्र संघ छात्रों की नुमाइंद करने का एक दबाव की अपनी बात को मनवाने का अड्डा था, लेकिन जब से अपराधीकरण उसका हुआ और ख़ासकर उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतना संरक्षण दिया ऐसे लोगों को कि उन्होंने कैंपस का माहौल ख़राब करने का काम किया। तो मेरा अनुभव यही था, धीमे धीमे चीज़ों को हम लोगों ने ठीक करने का काम किया और जाते जाते मुझे लगता है कि हमारे छात्र संघ के कार्यकाल में, मैं आपको बता दूं, मैंने तो पूरा माहौल ही अपने कार्यकाल में, मैंने सबसे पहले जो कार्यक्रम लिया वो जोगेंद्र सिंह सीबीआई के एक चीफ ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, मैंने उनको कैंपस बुलाया, किरण वेदी को मैंने कैंपस में बुलाया एक मोटिवेशन के तौर पर युवाओं में, वो महिला हमारे महिलाओं की लड़कियों की आइडियल हैं। सुरेश रैना उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, मैंने उनको बुलाया। आरपी सिंह इंडियन टीम में थे, ये लोग सबको मैंने अपने कार्यकाल में बुलाकर सम्मानित किया और उनका एक्सपीरियंस छात्रों को मैंने एक तरह से कल्चरल और
शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए हमने विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम किए, और उसकी देन थी कि विश्वविद्यालय पटरी पर आया और एक पठन पाठन का बहुत अच्छा माहौल हुआ। तो आप शिक्षा का स्तर से उस जमाने में विश्वविद्यालय का और इस जमाने में थोड़ा सा सुनते होंगे कि आज अपना विश्वविद्यालय अपना कहीं से जुड़ा हो तो आदमी को एक आंतरिक प्रसन्नता होती है। उधर से गुजरते हैं तो एक अनुभूति होती है कि हमारा इतना समय यहाँ बीता है, एक लगाव है, आत्मिक लगाव है, कर्म भूमि रही है, बिल्कुल रही है। तो वही मैं जानना चाह रहा था, अगर इन दिनों सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया हुआ है तो बजरंग सिंह बज्जू नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं, छात्रों के हित में कैसी होगी? नहीं नहीं, देखिए सरकार ने जो पॉलिसी लाए हैं, आप देखिए ये जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसका अमेंडमेंट सिर्फ एक बार कांग्रेस सरकार ने किया था, बहुत पहली बार एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शैक्षणिक माहौल को बदलने के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए। और आप देखिए ये पॉलिसी आप इंटर कॉलेज से लेकर बेसिक्स एजुकेशन से लेकर और हमारे हायर एजुकेशन को प्रभावित करती है, सबकी तारतम्यता एक साथ जुड़ी हुई है और आज सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये पॉलिसी आज अभी इसका वो नहीं दिख रहा है, लोग हमारे विपक्ष के लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन ये एक दूरगामी परिणाम होगा। अगले 5-7 सालों में आप देखिएगा शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे देश में उस शिक्षा से निकले हुए नौजवान हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। कुछ बात बज्जू जी से हम ये जाने, मौजूदा समय में रूलिंग पार्टी में है ये, और क्या इनकी तरफ से लगेगा कि छात्र संघ के 95 से लेकर और 2005 के बीच में जो एक परिवेश खराब करने की कोशिश की गई, तो क्या आप दोबारा हम साफ छवि के साथ छात्र संघ को राजनीति में ला सकते हैं, छात्र संघ के चुनावों को जो है करा सकते हैं, ऐसा कोई विचार है या शासन के सम्मुख प्रस्ताव? देखिए प्रशासन ने, मौजूदा सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर बैन नहीं लगाया जी, और सच पूछिए तो मैं कहूँगा किसी सरकार ने बैन नहीं लगाया, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी छात्र संघ के चुनाव पर बैन नहीं था जी। 2005 में लिंग दो कमेटी छात्रों संघों के सुधार पर कुछ परिसर के माहौल बहुत ख़राब हुए, अगर आपके संज्ञान में हो शायद आप दिल्ली विश्वविद्यालय एमपी में तमाम विश्वविद्यालयों में, यहाँ विश्वविद्यालय में तमाम शिक्षकों के साथ तमाम छात्रों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई कि ये माहौल एक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और एक जेएम लिंग दो जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी लिंग दो कमेटी, वो सारे विश्वविद्यालय पूरे देश में जा जाकर सारे विश्वविद्यालयों में और समय एकेडमिक लोगों में जो भी क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लोग थे जो सामाजिक कार्य करते थे सबसे बातचीत कर एक माहौल बनाने का काम किया। वो लखनऊ में भी आए थे, यहाँ भी योजना भवन में एक बैठक हुई, उसमें हमारे शिक्षा क्षेत्र से लोग, प्रोफेसर हमारे, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग, पत्रकार लोग, मतलब विभिन्न एकेडमिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने बैठकर एक विचार विमर्श किया। लेकिन जीएम लिंग दो ने एक ऐसा मॉडल बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया छात्र संघ का, जो कहीं से भी विश्वविद्यालय के छात्रों के में के चयन या उनके चुनाव के लिए कहीं से अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा कि एक उम्र सीमा लगा दी कि 25 ईयर से ज़्यादा का कोई छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकता, विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र के ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई ही क्यों ना हो, प्रोक्टोरियल बोर्ड से उसे नोटिस ही क्यों ना मिली हो, वो छात्र संघ चुनाव में भाग नहीं ले सकता, और आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया तो आप बिल्कुल ही नहीं ले सकते। तो ये जो एक माहौल बना था लखनऊ विश्वविद्यालय, छात्र राजनीति क्या होती है, छात्र राजनीति छात्रों के हित के लिए प्रशासन से हमेशा टकराव होता रहा है। हम लोग ने छात्र संघ की राजनीति की है, हम लोगों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए, वो हम लोग गहना समझते थे कि छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए अगर हम संघर्ष में जेल भी जाना हो, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर छात्रों का एक इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें छात्र संघों को एक तरह से पंगु बनाने का काम किया। और लखनऊ विश्वविद्यालय मैं अपने कार्यकाल में मैंने छात्र संघ घोषित करा दिया था, चुनाव डेट भी आ गई थी, सब हो गया था, लेकिन उम्र सीमा की बाधा को लेकर छात्रों के एक आंदोलन ने कुछ हिंसात्मक प्रदर्शन हो गए, इसको लेकर विश्वविद्यालय में साइन डाउन कर दिया उन्होंने, और जिसकी वजह से छात्र संघ पे बैन लग गए। मैंने स्वयं लिंग दो जी से कहा था कि मान्यवर जब यहाँ पे होता कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप किसी एक अपराधी को बता दीजिए कि चुनाव लड़ने से आपने रोक दिया, और एक छात्रों का नेतृत्व करने वाला जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, अगर वो हॉट टॉक टीचर से कर ले, वो उसको कर ले किसी बात को लेकर, तो आप उसको छात्र संघ नहीं चुनाव लड़ने देंगे? आप तो कभी छात्र संघ के किसी विश्वविद्यालय में पता नहीं आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं, आप तो त्रिपुरा के रहने वाले थे, पूर्वोत्तर राज्य के कहीं के, आप तो विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के बारे में जानते भी नहीं, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप कैसे इसको निर्धारण कर सकते हैं जी।
एडमिनिस्ट्रेशन के लोग छात्र संघ के खिलाफ रहते हैं, वो हमारे शिक्षक हों या कर्मचारी हों। शिक्षक यूनियन है क्या कारण? कर्मचारी मैं बता रहा हूँ, तालमेल नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, लेकिन जिससे विश्वविद्यालय की परिकल्पना है छात्रों से, उसकी यूनियन को ये नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि ये खुलेआम अपनी मनमानी करते हैं। बहुत सारे एडमिशन के समय, तमाम समय छात्रों के साथ बहुत सारे उनका शोषण होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर निकल के नहीं आती। अभी कुछ विगत दिनों आपने देखा, कंट्रोलर थे, चीफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन, अभी आप इलाकी एक छात्रा के साथ उनका कितना वो वायरल हुआ था जी। स्वयं जो है किसी को इन्वॉल्व करके इस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हैं, किसी को पेपर आउट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, हर रजिस्ट्रार साहब वाले पटल में सारी चीज़ें। तो आपने देखा किस तरह माहौल के विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने का काम किया एक शैक्षणिक टीचर प्रोफेसर। जब छात्र संघ रहता था तो वो ये अंकुश रहता था, उसको लेकर प्रदर्शन होते थे, किसी शिक्षक की हिम्मत नहीं किसी छात्रा के साथ अभद्रता कर दे। आज उनका किस तरह शोषण होता है मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये स्वतंत्रता उनकी बाधक होती थी छात्र संघ के लिए। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में बैठे हैं, ये वही छात्र संघ भवन है जिसने बड़े बड़े अध्यक्षों को देखा है, और ये वही कमरा है जो राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम नायाब हस्तियों का साक्षी रहा है। और आज इसी छात्र संघ भवन में हम 97 बैच के महामंत्री जी के साथ में मौजूद हैं, और वो हमें बताएंगे कि उन दिनों छात्र संघ का क्या स्वरूप होता था। और अभी हम आए तो हमसे भाई साहब बता रहे थे कि छात्र संघ भवन की स्थिति इतनी बेबत्तर थी कि जो अपने आप में बयां नहीं की जा सकती। तो उन्हीं से जानते हैं कि अब का दर्द और तब का क्या स्वरूप था छात्र संघ का, तो वही हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीरू भैया, और वो विस्तार से बताएंगे, 97 बैच के महामंत्री हैं। साल के फोटोग्राफ्स हैं जो गल रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला क्या मिल पाएंगे? ये छात्र संघ के संबंध में इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नीचे कभी कोई है, स्टेट मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर तो बाद में परंपरा पड़ी 25-30 साल में, उसके पहले प्रधानमंत्री नीचे यहाँ कोई नेता बुलाते नहीं था। ये स्तर था छात्र संघ सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय द्वारा जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, मैं अपनी ओर से और छात्र संघ परिवार की ओर से बधाई देता हूं, और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम लोग इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जहाँ तक बात छात्र संघ का है, इस छात्र संघ की स्थापना वर्ष 1939-40 के समय हुई थी, और जो अंतिम छात्र संघ चुनाव हुआ 2004-05 का अंतिम छात्र संघ चुनाव हुआ, उसके बाद से छात्र संघ चुनाव वैन है, तब से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। और ये सुखद है कि इस छात्र संघ भवन अभी 80 वर्ष लगभग हो रहे हैं। इस 80 वर्ष में जो 39-40 के का वयस था, उस 39-40 में जफर रजा साहब हमारे अध्यक्ष थे, चंदमोल अवस्थी जी महामंत्री थे, और उसी छात्र संघ में जूनियर लाइब्रेरियन के पद पर शंकर दाल शर्मा साहब थे। उन्होंने यहाँ छात्र के रूप में, छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में, शिक्षक के रूप में, और फिर अंत में देश के राष्ट्रपति के रूप में इस देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तो मैं तो धन्य मानता हूँ कि मैं भी उस छात्र संघ परिवार का सदस्य रहा। बात मैं इस विश्वविद्यालय में 80 के दशक के अंतिम दौर में आया, और जो पहला छात्र संघ का चुनाव हुआ 90-91 में, उसमें डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, और उसी में जो हमारे नेता थे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी, जिनकी आज 29वीं पुण्यतिथि है, वो उपाध्यक्ष के रूप में उनको यहाँ के छात्रों ने छुड़ा था, और छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। उन्हीं के साथ धीरेन्द्र बहादुर सिंह साहब महामंत्री थे, और कांति चौधरी जी साहब। जो दौर था इमरजेंसी के बाद 77 के बाद, अतुल अंजान साहब, रविदास मेहता, अवध कुमार सिंह बागी का जो यूनियन था, उसके बाद 85 में हमारे ही हबीबुल्लाह छात्रावास के कुंवर रामवीर सिंह साहब अध्यक्ष सबसे पहले चुने गए। उनके बाद दौर आया सरोज तिवारी साहब का, उनके बाद समरपाल सिंह साहब का, रमेश श्रीवास्तव साहब का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, और जिनमें एक छात्र नेता की जो आज भी झलक मुझे दिखती है, मुझे बहुत पसंद आती है। हबीबुल्लाह छात्रावास का जिक्र किया, हबीबुल्लाह अपने आप में एक क्रांति का गढ़ रहा है हबीबुल्लाह छात्रावास, थोड़ा सा उससे जुड़ी। हाँ, निश्चित तौर पर ये मैं सुखद मानता हूँ कि मुझे यहाँ छात्रावास में रहने का मौका मिला, और उस समय जो
80 के दौर में कुंवर रामवीर सिंह के बाद हरिश्चंद्र सिंह थे, जो आज हमारे लोगों के बीच में नहीं है, वो हबीबुल्लाह छात्रावास के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्ञानू जी को सबसे पहले चुनाव लड़वाया। ज्ञानू जी ने एक जो उनकी एक छात्र नेता की जो झलक थी और छात्र नेता का जो जज्बा था छात्रों के लड़के, और उन्होंने जो हबीबुल्लाह को एक परिवार का कांसेप्ट दिया, विश्वविद्यालय को एक परिवार की परिभाषा दी, जो आज तक 29 वर्षों तक अनवरत चली आ रही, ये बड़ी बात है कि एक हम अपने छात्र नेता को आज भी याद कर रहे हैं। और आज छात्र संघ कार्यक्रम में 35 से 40 वर्ष पुराने छात्र हबीबुल्लाह परिवार से, विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। तो वो बड़ी परंपरा थी, हम तमाम जात धर्म के लोग प्रदेश और देश के बाहर, प्रदेश के बाहर के भी छात्र आते हैं, मगर ना कोई हॉस्टल में जाति था ना धर्म था, हम सब एक परिवार, एक गोत्र, एक भाषा में, एक सोच के साथ खड़े रहते। तो आज भी खड़े, आज जो हमारी नई पीढ़ी है, आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी सुखद थी कि आज भी छात्रावास के अंतावासी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो आज है, आज हम 40 वर्षों से उस परंपरा को निभा रहे हैं। 30 वर्ष तो मेरा ही हो गया इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, मुझे इस विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। एक दौर था छात्र राजनीति का, एक तेवर था जो संघर्ष का था, वो निश्चित तौर पर दौर ख़त्म हुआ है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, जिला प्रशासन को और सरकारों को भी दोषी मानता हूँ कि इन तीनों ने मिलकर छात्र संघ की प्राइमरी पाठशाला को नस्त नाबूद कर दिया है। शायद उसको कहा नहीं जाता, देसी कहावत में माठा डाल दिया है, मट्ठा डाल के ध्वस्त कर दिया है। आज कोई छात्रों की समस्याओं के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं, भाई टीचरों का संगठन है, कौन ऐसा एसेट्स है जिसमें संगठन ना हो, मगर छात्रों के अपना प्लेटफार्म बात रखने, जिसको प्राइमरी पाठशाला कहा गया उसको क्यों साजिशन तौर पर है, ये बड़ा सवाल है हम छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। पंचायत को क्या लगता है, सत्ता की दखलंदाजी ने छात्र संगठनों को या छात्र राजनीति को कितना प्रभावित किया, ये पहला सवाल। और दूसरा, 95 के बाद और 2005 तक का एक ऐसा दौर देखा गया जो छात्र राजनीति को, जिसने अपने आप में जकड़न में ले लिया। हम चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय पर लिखा तो बहुत कुछ गया है लेकिन विजुलाइज बहुत कम हुआ है, तो हम चूंकि लोगों से ही जानना चाह रहे हैं कि लोग, ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब छात्र संघ भवनों को मुख्यमंत्री कार्यालय से चलाया जाने लगा तो इसका भी बड़ा प्रभाव हुआ, इस पर अगर आप कुछ। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे वर्तमान में शताब्दी वर्ष चल रहा है, कल आज ज्ञानू जी की पुण्यतिथि थी, यहाँ की प्रक्रिया है, एन के पांडे साहब हैं, जब कोई कार्यक्रम यहाँ छात्र संघ द्वारा आयोजित होता है उसकी प्रॉपर्ली पत्र भेजे जाते हैं उद्यान विभाग वर्ष डिपार्टमेंट के, जो भी काम करना पड़ता है। और कल अगर आप यहाँ देखते तो यहाँ की स्थिति, आज भी अगर छात्र संघ भवन का बारीकी से निरीक्षण करेंगे, जहाँ एक तरफ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस छात्र संघ का मैंने कहा जैसा 80 वर्ष का समय लगभग पूरा हो रहा है और देश की आज़ादी से लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका अहम रोल रहा है, तो उसके लिए सरकार के साथ साथ यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि आज उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। आज छात्र संघ पे कार्यरत कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा, छात्र संघ को इस शताब्दी वर्ष से उपेक्षित किया जा रहा है, जिसका देश की आज़ादी से, ये यहाँ कोई व्यक्ति का घर नहीं, ये एक एक, एक एक मंदिर है छात्रों का, जो प्लेटफार्म का एक भवन है, जहाँ से छात्रों की लड़ाई लड़ने का, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष संघर्ष किया जाता था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। ये बहुत दुखद है हम छात्र नेताओं को, और यहाँ से भी जितने भी लोग हैं यहाँ से पढ़े हुए देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं अगर यहाँ की बैठक, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, जिला प्रशासन दोषी है और सरकार तो दोषी है। मेरा मानना है कि छात्र राजनीति को सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक दलों के रूप में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, क्योंकि छात्रों की समस्या तो कॉमन है, कॉमन समस्या का एक प्लेटफार्म होना चाहिए, कोई राजनीतिक है कि हम सब एक हैं और छात्रों के मामले में दलगत राजनीति से ऊपर बढ़ के काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सजग होना चाहिए, जिला प्रशासन को भी, जो विभीष रूप कर दिया गया कि नहीं छात्र संघ में अपराधियों का बोलबाला है, ठीक है ना, इसके पहले जेएनयू से लेकर तमाम है जिस तरीके से बनाया गया, ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं लिंग दो कमेटी आई है, उसमें भी रोल रहा है इसको समाप्त करने। अनिल जी, आपने जेएनयू का जिक्र किया, जेएनयू और लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही अपने आप में शिक्षा का मरकज है, लेकिन जेएनयू का छात्र संघ अपने आप में बड़ा लोकप्रिय होता है, रोचक होता है, चूँकि वहाँ डिबेट्स के आधार पर, और आपके विश्वविद्यालय में विद्यार्थी छात्र नेता पहले बन जाता है और विद्यार्थी बाद में बनता है, चूँकि आपने तो वो दौर देखा होगा, जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का निश्चित ही स्वरूप बदला जाएगा। अब तक छात्र संघ को क्यों नहीं बहाल किया गया 2005 से, क्या कारण है अगर थोड़ा सा आप? सबसे पहले तो चूँकि है निश्चित तौर पर है, जो छात्र आते हैं छात्रों का ही प्रतिनिधि
अपने प्रतिनिधि को चुन के छात्र संघ पर भेजता है। निश्चित रूप चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, JNU हो, वहाँ पे जो आपने कहा वहाँ पे डिबेट के माध्यम से छात्रों के बीच में अपने सब्जेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन होता है, उस पर छात्र अपने नेता को चुनते हैं। ये चूंकि राजधानी रही है इसलिए राजनीति से प्रभावित ज़्यादा रही है, उसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हुआ, तो ऐसे में जिस राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उन्होंने जिस कैंडिडेट को चुना उसके अपने नाम से, तो उसने ये नहीं देखा कि भाई इसका बायोडाटा क्या है, एजुकेटेड कितना है, तो इस आधार पे कहीं ना कहीं वो चीज़ कमी रही। मगर यहाँ से भी छात्र संघ के लोग निकल, प्रभावित किया छात्र संघ को काफ़ी हद तक। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग निकले यहाँ से उन्होंने राजनीति के साथ साथ, हमने बताया शंकर दयाल शर्मा से, और तमाम मिनिस्टर्स तमाम हैं आज इस वर्तमान में, आज 2020 में इस यहाँ से 30 विधायक और आधी इस भाजपा सरकार में आधी मिनिस्टर यहाँ से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ब्यूरोक्रेट्स जुडिशली में आप हैं, 60% जुडिशली उत्तर प्रदेश की एलुमनाई में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रणधीर सिंह जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हरेंद्र बहादुर सिंह महामंत्री लखनऊ यूनिवर्सिटी के। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें लखनऊ में मीडिया, आज अगर यूपी का मीडिया देखा जाए तो 80% मीडिया यूपी से, हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र है व्यवसाय के क्षेत्र में मिस्टर ब्राउन गुप्ता जी का, कोई क्षेत्र हमें तो ऐसे नहीं लगता है। बस ये जरूर दिक्कत रही कि हमारे सामने हमारे सीनियरों ने जो एलुमनाई का प्लेटफॉर्म था, वो हमारा एलुमनाई का प्लेटफॉर्म चैप्टर है आज, इसकी अलख मैं उनको नहीं भूल सकता, राम कुमार भार्गव साहब आज नहीं है, 1973 में यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष थे, विधायक रहे सीतापुर से, उन्होंने जब तक जीवित रहे इसको जिंदा रखने की कोशिश की, और आज हम लोगों की कोशिश 4-5 साल से है, हम लोग एक फॉर्मल कार्यक्रम कैंपस में कराते हैं, फॉर्मल बाहर कराते हैं, और उसको कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हमारे छात्र हैं चैप्टर वाइज उनके बने और सारे लोग विश्वविद्यालय से अपने जुड़े, शताब्दी वर्ष के लिए है। और हमारा सिर्फ ये है कि वो लोग जोड़ के उनको उन पुराने संस्मरणों को याद करके उनको वो मानसिक सुख देना, और नई पीढ़ी के लिए हम लोग एलुमनाई के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने इस विश्वविद्यालय के लिए, चूँकि ये माँ सरस्वती का वो सदन है जिसने हम सबको बहुत दिया है, हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि ईश्वर भी शायद हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम सोसाइटी को रिटर्न कर सकें, तो सरस्वती माँ का कर्ज है हम सभी के ऊपर कि हम सभी लोग इसको रिटर्न करें एलुमनाई के माध्यम से, और सक्षम लोग हैं, लोग करना चाहते हैं, मगर हमें उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है। इस शताब्दी वर्ष में 24 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है, और मैं चाहता हूं कि शताब्दी वर्ष में जो हमारे एलुमनस हैं वो आएं और उसको मंच के माध्यम से उनके पुराने संस्मरणों के साथ उनको सम्मान दिया जाए कि वो अपनी माँ सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए इस विश्वविद्यालय के लिए, नए छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करें। शताब्दी अपने आप में सिर्फ शब्द नहीं है, अंक नहीं है, शताब्दी एक बहुत बड़ी एक मतलब यूनिवर्सिटी के लिए, चूँकि लखनऊ यूनिवर्सिटी इस लिहाज से तो बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पुराने एलुमनाई जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय को कितना उत्सुक है और क्या होना चाहिए कि नहीं, चूँकि प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं तो उम्मीदें भी उनसे बहुत लगाई जा रही हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे है, आज जो हमारा शताब्दी वर्ष है, 100 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, पूरे देश में यही लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो आज 100 साल पुरानी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। हम लोग लगातार 3-4 सालों से इसकी केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, और राज्य सरकार से भी मांग की कि हमारे यहाँ जो फंडिंग की प्रॉब्लम्स है उसके लिए राज्य सरकार का जो बजट मिलता है वो बहुत क्षीण है, जिससे हमारे टीचरों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन भी बन पाना मुश्किल नहीं। एक छोटा सा प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, मुझे लगता है वो सार्थक नहीं है कि उसके लिए कानपुर विश्वविद्यालय से जो संबद्ध थे 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर और इसको के यहाँ पे किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी एलुमनस की मांग है और पूरे विश्वविद्यालय में है कि केंद्रीय दर्जा मिलेगा, हमारी सहूलतें बढ़ेंगी, हमारे छात्रों को शिक्षा का क्षेत्र का विस्तार होगा और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बीते दिनों हम अभी जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नीरज जैन सर, उनसे बातें कर रहे थे, वो कह रहा था अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कह दे तो मैं 3 दिन के भीतर चुनाव यहाँ पर करवा दूँ, और यकीनन तौर पर कोई खून खराबा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या मंशा है, क्यों नहीं इस प्रशासन कराना चाह रहा, लिंग 2 कमेटी उस पर अगर विचार रखें कुछ? देखिए, इस डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का, सबको अपना मंच तैयार करने का और मंच पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से छात्र संघ को साजिशन तौर पे विश्वविद्यालय, इसलिए कोई अंकुश नहीं है, कोई बात है आज नए बच्चे हमारे जाते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं तो उनको उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, जायज़ बात नहीं है। इतना इगोस्टिक हो गया है कि वाइस चांसलर मिलने का समय नहीं देता है, ठीक है, टीचर लोग राजनीति करते हैं, छात्रों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है
मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरी कल्पना नहीं है, कल की घटना को देख के मैं इतना दुखी था इस छात्र संघ को लेके, मुझे बहुत पीड़ा थी, शायद मेरे जीवन में मेरी उम्र के इस पड़ाव पे मुझे कभी इतनी पीड़ा नहीं हुई जिस तरीके से शताब्दी वर्ष में छात्र संघ की उपेक्षा की गई। जहाँ तक डॉक्टर नीरज जैन का सवाल है, वो छात्र संघ राजनीति के भीष्म पितामह हैं, लंबे समय तक उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया है महामंत्री के रूप में और अध्यक्ष के रूप में, और आज शिक्षक के रूप में वो विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं और उनके अंदर का छात्र नेता उनकी अंतिम सांसों तक जिंदा है, इसलिए उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने छात्रों के ऊपर, अपने शिक्षक होने पर और अपने विश्वविद्यालय पर और छात्र संघ परिवार पर। विश्वविद्यालय इसलिए नहीं चाहता है कि जो उनकी कमियाँ हैं, वो छात्रों की बात नहीं है, उनको अपनी कमियों को लेकर डर रहा है कि कल जो हम यहाँ कर रहे हैं उसको हमारे छात्र जब लाएंगे, उसको समाज के सामने लाएंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे, तो वो हमारे लिए भी विभीषक होगा, इसलिए ये साजिशन तौर पे शासन कराने का। पहले तो हाईकोर्ट का हवाला है, तो हाईकोर्ट वाला भी जो लिखना था वो समाप्त हो गया, हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी, उसके बावजूद भी शासन चुनाव साजिशन तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा, इसकी छवि जानबूझ कर खराब की गई है। क्या सब हैं हमको बता दीजिए, अतुल अंजान साहब का कितना बड़ा नाम, आज जो जगदीश गांधी साहब हैं यहाँ से सन 57-58 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, गिनीज बुक में शिक्षा के क्षेत्र में उनका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी साहब आज जीवित हैं, जो हमारे सत्यपाल राणा साहब एक समय नाम था, वो 1969-70 के समय में अध्यक्ष रहे। ठीक है, यहाँ रविंद्र सिंह साहब का नाम सुनते थे कि जब वो बोलते थे बिल्कुल सड़कें जाम हो जाती, तो उनकी वॉइस में इतना दम था। सब लोगों ने यहाँ से लेकर सदन तक का है और छात्रों की बात को रखा। 85 से कुंवर रामवीर सिंह साहब से मैंने जैसा बताया, डॉक्टर नीरज जैन साहब 90 में यहाँ अध्यक्ष थे, बृहस पाठक से लेके डॉक्टर राकेश सिंह राणा, अरविंद सिंह, मनोज तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, ओंकार भारती बाबा जी, अरविंद सिंह हमारे साथ हैं, राज्यसभा रहे, विधान परिषद में हैं, उसके बाद संतोष सिंह जी रहे, दयाशंकर ब्रह्मा बकश जी रहे, ठीक है, सैलू जी रहे, आसू जी रहे, राजपाल जी रहे, और बज्जू का लास्ट कार्यक्रम था, उसके बाद छात्र नहीं हुए और नए छात्रों का है। मैं निश्चित तौर उस दिन इस सरस्वती माँ को प्रणाम करूँगा और मुझे दिली खुशी होगी जिस दिन छात्र संघ का चुनाव होगा, और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि छात्रों को जिस तरीके से दबाया कुचा जा रहा है, इससे ज़्यादा दुखद एक छात्र नेता के रूप में नहीं हो सकता है। मेरी जब तक सांस है हम छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे युवा पीढ़ी के साथ, और हम तो चाहते हैं कि अब हम लोगों की विरासत नई पीढ़ी संभाले, हम लोग उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, चाहे ये मैं पूरी 80 सालों की जो छात्र संघ अभी जो जीवित है उनका मैं आश्वस्त करता हूँ। सिर्फ लखनऊ नहीं, BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय के जो सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, उनसे भी छात्र संघ के लोग आज भी अनवरत जुड़े हुए हैं, हम लोग संपर्क में रहते हैं एक दूसरे, किसी भी राजनीतिक दल पे हो, मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि राजनीतिक दलों से उठ के भी एक जगह सब खड़े होने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं छात्रों की समस्याओं के लिए। सर, एक आखिरी सवाल की जो है, कुछ छात्र संघ से जुड़े अगर आप अनुभव उस दौरान के अगर शेयर करें थोड़े से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी पीढ़ी अगर चुनाव होती है या फिर सपने हैं मन में तो क्या कुछ रहेगा। हाँ बिल्कुल, एक जो स्वस्थ परंपरा है, जो मैं 90 का दौर है जो ब्रजेश पाठक से शुरू हो के 2005 में समाप्त हुआ, एक बहुत सुखद होता था कि हम लोग कंपटीटर सिर्फ कैंपस तक रहते थे, हमारी बनमस्ता चुनाव को लेकर सिर्फ कैंपस रहती थी, बाहर निकल के हम सब छोटे बड़े भाई होते थे। वो एक जो सुखद पल, एक जो परिवार का एक छोटे बड़े भाई का कॉन्सेप्ट होता था। मुझे नहीं लगता है कि कभी मैं चाय पीने गया हूँ, अगर कोई सीनियर हुआ होगा तो मुझे पैसे देने दिए होंगे। आज भी ये स्वस्थ परंपरा है। निश्चित तौर पे जो समाज में गिरावट आई है उससे हमारा युवा पीढ़ी प्रभावित है, मगर मैं यही कहता हूँ कि बड़ों और छोटों के बीच का जो गैप है उसको दूर करके हमें नए इतिहास को आगे बढ़ाना चाहिए, नए हैं चुनना चाहिए, और जो हमें जिम्मेदारी है हमारे सीनियर्स जो आज इस दुनिया में नहीं है और जो सीनियर्स आज जीवित हैं उनके उसी पचीनों पर चल के हमें छात्र राजनीति के वजूद को जिंदा करना है, उसके खोए हुए सम्मान को वापस लाना है, यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल सिंह वीरो जी, जो 97 बैच के महामंत्री रहे हैं, और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने आप में शिक्षा का एक बहुत बड़ा मरकज रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, DGP और न्याय व्यवस्था में तमाम सारे लोगों को देने वाला ये लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आज इस छात्र संघ भवन में बहुत सारे छात्र अभी वर्तमान में ऐसे हैं जो छात्र संघ की बाट जो हो रहे हैं कि वो 2005 के बाद का अकाल कब समाप्त हो और कब एक बार फिर से स्वस्थ नर्सरी के रूप में फिर से छात्र संघ में एक छात्र नेता बैठे और छात्र संघ का चुना हुआ अध्यक्ष बैठे। तो ये तमाम सारे सपने हैं और ये लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है, और मैं आयुष तिवारी हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है।